यकीन कीजिए मैं अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा हूँ। मरीज कहाँ है? उस कमरे में। क्या हुआ उसको? टक्कर हो गई है उसकी। आपने उससे भी कहा था कि तेज चलिए? जी नहीं, तो ऐसे चलावे की तरह भागती हुई कि पता ही नहीं चला। मैं इधर से निकला और वो उधर से, और हम दोनों की टक्कर हो गई। पहले तो बेहोश थी, पलट कर मुझे देखा और फिर गायब। गायब मतलब? मतलब बेहोश, बेहोश हो गई। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, आधे घंटे से बेहोश है वो। चलिए। मैंने देखा तो रंग उड़ा हुआ, पीला जर्द, धड़कने धक धक। कुछ बोल नहीं रहा था, देख रहा था। बोला, वो फरहाद की बहन, तुम्हारी दोस्त, वो जो अमेरिका से आई थी, मर गई है। क्या ये बोला वो? अरे उसकी तो। फिर भागा वो वापस गया, तुम्हें बाहों में उठाकर मेरे कमरे में लाया, यहां बिस्तर पर डाला और मुझसे कहा, जब तक डॉक्टर ना आए लाश को हाथ मत लगाना। मुझे बाहों में उठाया उसने? आइए आइए डॉक्टर, क्या बढ़िया नहीं ना, खड़ी है। आप लेट जाइए ना, डॉक्टर साहब आ गए। इसको लटाइए डॉक्टर साहब, दिमाग चेक कीजिए इसका। ये देख कैसे रहा है माही? वालेकुम अस्सलाम पुत्र जी। लो जी, पहली दफा किसी ने इस तरह सलाम किया है, मतलब के जान ले लो नहीं तो सलाम ले लो। I'm Ramin, फराद की बहन। जुग जुग जियो पुत्र जी, जुग जुग जियो। अब आप ये नहीं कह रहे कि तेज चलिए डॉक्टर साहब, तेज चलिए। आपको सदमा पहुंचा? मुझे हैरत हो रही है डॉक्टर साहब, वो ठीक कैसे हो गई? होता है, मेरी दादी जान बचपन में फौत हो गई थी। जब उनको कब्र में डाला तो उठकर बैठ गई, फिर वो 70 साल जिंदा रही और मेरे दादा जान ये सोचते सोचते मर गए। अगर दादी बचपन में फौत हो जाती तो कितना मजा आता। लड़का बहादुर है आपका, किसी से डरता वरता नहीं। सच पूछिए तो मुझसे मिलना बस जाब्ते की कार्रवाई है, वरना मुझसे मिलकर गया तो दिल जीत कर ले गया था मेरा। ये फरहाद के चचा है? जी। चाय दो ना। नहीं बस, बस एक कप काफी है। एक्सक्यूज मी सर, मोहब्बत और चाय ज्यादा भी हो तो काफी जाते। माई कहाँ है? हाँ माई कहाँ है? कमरे में तैयार हो रही है, नहीं तैयार हो चुकी है, आप बुलाएंगी तो आ जाएगी। नहीं तुम बैठो ना उसके पास, उसको बुलाने में अभी वक्त है थोड़ा। जी। या चाहो तो बैठी रहो, चाय वाय पियो फिर चली जाना। इंटेलिजेंट। मुझसे मुलाकात खत्म हो गई तो खाने पर मेहर साहब से मिलोगे, 1-on-1। उनसे मुलाकात हो जाए फिर बैठकर बात पक्की करते हैं। आपको ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? जी नहीं। तो फिर आइए ना, बात करते हैं। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप मेरे भाई से बातें कीजिए। जी करो ना कोई बात।
लगता है आप बहुत शर्मीले हो या मीस नहीं हो। ये है मेरे पापा हुकुम। हुकुम अब नहीं है। आई नो ही वाज मर्डर्ड। यस एंड यू नो जिस दिन इनका मर्डर हुआ उसी रात मैं और पनार पैदा हुए थे। 2 साल का पनार जब पापा बोलने लगा तो अम्मी साहिबा उसको हुकुम की तस्वीर दिखा कर कहती थी ये हैं तेरे पापा, ये तेरे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं बेटा, जल्दी से बड़ा हो जा फिर पाली को ढूंढ कर मोहल्ला जोगिया की चौपाल में ला, वहां लाकर मार उसको, छुरा लेकर छाती चीर दे उसकी। ये पाली कौन है? हुकुम का कातिल। वो मारेगा उसको जिसने मुझे टक्कर मारी है। हाँ तुम लोग ऐसे हो क्या? ऐसे मतलब कैसे? जान ले लोगे किसी की फिर उसका भी कोई होगा पनार जैसा, वो तुम में से किसी को मार देगा। हाँ ये सब तो चलता रहेगा, इसीलिए तो मैंने फरहाद से कहा था कि मुझसे शादी मत करे। और मैं समझू तुम उसको आजमा रही? मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसका चाहने वाला उसकी आजमाइश पर पूरा उतरा। मैं खुश नहीं हूं। मेरे सामने बैठा, आंखों में आंखें डालकर माही का नाम लिया, उससे रिश्ते की बात की तो मुझे लगा वो सचमुच किसी मर्द का बच्चा है। लेकिन मैं जानती हूं मोहब्बत में होता है इतना दम, वो कमजोर को ताकतवर के सामने खड़ा कर देती है। आप बहुत बहादुर हैं क्या? जी नहीं, आदमी ताकतवर नहीं होता इकबाल साहब, हालात ताकतवर होते हैं या फिर हालात इतने कमजोर होते हैं कोई दम नहीं मार सकता। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपका नाम इकबाल है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लोग बस नाम देखते हैं, उसका इकबाल नहीं देखते।